Name: Anna Elizabeth Annelise Michel. Nationality: German. Sex: female. Date of birth: 21st September 1952. Date of death: 21st July 1976. Reason of death: demonic possession. I said demonic possession. So the premise is, so this is a lady in Germany who was determined to be possessed. He was working with a priest, and then she never did receive complete deliverance from the demonic oppression, and then she eventually died. 1 जुलाई 1976 एक ऐसा पैरानॉर्मल केस जो पूरे दुनिया को हिलाकर रख देता है, ना सिर्फ आम लोग बल्कि प्रीस्ट और डॉक्टर्स के भी पसीने छूट गए पर विक्टिम को बचा ना पाए। जी हाँ, यह केस है एनेलीस मिशेल का। क्या है ये सारा मामला, जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जर्मनी के लीफिंग नाम के टाउन में जन्म ली एनेलीस मिशेल शुरुआत में ही काफी गंभीर बीमारी का शिकार बन चुकी थी। एनेलीस सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। When she started experiencing seizures and was diagnosed with psychosis. Shortly after, वो डिप्रेशन की भी शिकार हुई और फिर उसकी ट्रीटमेंट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी होने लगी। कुछ साल ऐसे ही चलते रहे लेकिन हेल्थ में कोई सुधार नहीं दिखा। अभी तक आपने जो भी मुझे सुना वो बस कर्ण मात्र है इस केस का। एनेलीस जब 20 साल की हुई तब उसमें एक सडन चेंज नोटिस किया गया। जो एनेलीस को मिर्गी के दौरे आते थे वो अब जितने भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स थे इन सब से उसे डिसकंफर्ट फील होने लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो बात नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने अपने बयान में यह भी बताया कि उसे मिर्गी के दौरे के साथ साथ शैतानी आवाज भी सुनाई देती है। साथ साथ उसने एक खौफनाक चीज भी रिवील की, उसे हर समय अपने आसपास डीमंस दिखा करते थे। एनेलीस बार बार सुसाइड करने की कोशिश किया करती थी और यह कहती थी कि डीमंस आर फोर्सिंग मी टू कमिट सुसाइड। इन सब के बावजूद डॉक्टर्स एनेलीस की मेडिसिन की डोज बढ़ा करके उसे ठीक करने की कोशिश में लग गए। जब एनेलीस की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा तब डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। यह देखते हुए एनेलीस के माता पिता एक ठोस कदम उठाते हैं। शुरुआत से ही मिशेल परिवार रिलीजियस होने के कारण चर्च से हेल्प मांगते हैं और वहां के एक लोकल फादर को कन्विंस करते हैं कि एनेलीस पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाए। 1975 में उनके पहले रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है पर उनके दूसरे कोशिश में दो प्रीस्ट रेडी हो जाते हैं और बिशप के परमिशन के साथ ही शुरू होती है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनेलीस मिशेल। जब फर्स्ट एग्जॉर्सिज्म एनेलीस पर किया गया तब से एनेलीस बहुत ही वायलेंट बिहेव करने लगी थी और यह श्योरिटी मिल गई कि एनेलीस वाज समहाउ पोसेस्ड। शी यूज्ड टू ग्राउल, कभी कभी तो वो नाखूनों से दीवारों को खरोचती, वो कभी कभी कीड़े मकोड़ों को खाया करती और यहाँ तक वो अपने यूरिन को भी पिया करती। जस्ट इमेजिन हाउ हॉरिबल इट इज। एक टेप में आपको सुनाना चाहता हूँ जो कि एनेलीस के एग्जॉर्सिज्म के टाइम रिकॉर्ड की गई थी और जिसके कारण यह केस और भी मिस्टीरियस के साथ साथ डरावनी बन गई थी। Oh,
एनेलीस अब माल न्यूट्रिशन की भी विक्टिम बन चुकी थी, जिसके कारण उसका वेट 30 केजी तक आ गया था। 1 जुलाई 1976 को एनेलीस पर 67th एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है, जिसके दौरान उसकी जान चली गई। एनेलीस सिर्फ और सिर्फ 23 साल की थी। The two priests were found guilty in the case of negligent homicide and were sentenced to 6 month jail. एक पर्सन को मरने के लिए छोड़ देना, इस क्राइम को कहते हैं हम negligent homicide. क्या ये केस सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर तक ही था? अगर हाँ, तो वो रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स को देख करके वायलेंट बिहेव करना, या फिर एनेलीस को अलग अलग आवाजों में बात करना, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसके बारे में एनेलीस ने कभी सुना ना ही पढ़ा हो, ये किस तरफ इशारा करती है? इस पूरे घटने के ऊपर आपका क्या सोच या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आप इन चीजों में यकीन करते हो या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस बी विद यू।